जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको कथा जो सुनाने जा रही हूँ वो है बैसाख मास की। बैसाख मास के इतवार को, रविवार को एक व्रत रखा जाता है, उसको कहते हैं आग बड़ पीपल सींचने की कहानी सुनी जाती है उस दिन, तो आग बड़ पीपल का व्रत कहा जाता है। उस दिन आग का पेड़, बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़ सींचा जाता है, यानी जल चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। तो ये इस कहानी के सुनने का बहुत महत्व है, पति की लंबी आयु के लिए, अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अपनी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करने के लिए। बैसाख मास में प्रति इतवार को ये कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। तो कथा किस प्रकार है, कथा प्रारंभ करती हूँ। कथा सुनने के लिए एक लोटे में आप जल भर कर रख लीजिए, नीचे पहले स्वास्तिक बना लीजिए, उस पर लोटा भर के रख लीजिए, उसमें थोड़े से फूल और चावल डाल दीजिए और अपने हाथ में भी थोड़े से चावल ले लीजिए। कथा शुरू होती है, एक राजा की दो रानियाँ थीं और एक उनकी लाडली बहन थी जिसका विवाह हो गया था, लेकिन भाई इतना लाड़ करता था कि बहन को अपने ससुराल में अच्छा ही नहीं लगता था, तो वो लौट के अपने भाई के पास ही आ गई थी। अब क्या होता है कि छोटी रानी को जब ये पता है कि ये राजा की लाडली बहन है, तो वो उसकी चापलूसी करती रहती थी अपनी ननद रानी की, और दोनों मिलकर राजा को बड़ी रानी के खिलाफ भड़काती रहती थी। बड़ी रानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो बैसाख मास का प्रतिदिन स्नान करती थी, पूजा करती थी, दान करती थी, बहुत कुछ पूजा पाठ करती ही रहती थी, हर समय भगवान के नाम में लगी रहती थी। रविवार को बैसाख मास में वो आक, बड़ और पीपल को सींचती थी, उनका भोग लगाती थी, पूजा करती थी। तो वो क्या करती, इतवार वाले दिन आक, बड़ पीपल को सींचने के लिए, क्योंकि पेड़ों को सींचना है तो पेड़ तो देखने हैं ना, तो महल के अंदर तो थी नहीं, तो वो उनको सींचने के लिए बाहर जाती थी पूजा का सामान लेकर। एक दिन उसको लौटने में देर हो गई, तो रात को जब राजा महल वापस आए तो छोटी रानी और राजा की जो बहन थी उन दोनों ने मिलकर राजा के कान भरे कि तुम्हारी जो रानी है ना बड़ी वाली, पता नहीं क्या करती है, सारे दिन जाने कहाँ घूमती रहती है, आक, बड़ पीपल के नाम पर पता नहीं क्या गुल खिला रही है, सारे दिन घर से महल से गायब रहती है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध में लाल पीले हो गए और अपने सेवकों को आदेश दिया कि राज के जितने भी आक, बड़ और पीपल के पेड़ हैं सबको काट दिया जाए। इतना गुस्सा कि जितने नगर में पेड़ थे सारे कटवा दिए, जिससे कि रानी जाए तो उसको कुछ पेड़ मिले ही नहीं और वो ये व्रत करना, पूजा करना बंद कर दे। दूसरा रविवार आया, रानी को तो पता नहीं था कि राजा ने पेड़ कटवा दिए, वो तो छोटी रानी और उनकी बहन की साजिश की वजह से हो गया था। रानी उठी, स्नान आदि किया, बैसाख मास का पूजा सामग्री तैयार करी, चूरमा के लड्डू बनाए, जल भरा एक कलश में खूब सारा, क्योंकि तीन पेड़ सींचने थे, और चली नगर में जहाँ पर पेड़ लगे हुए थे। देखा तो आज तो कोई पेड़ ही नज़र नहीं आ रहा है। रानी का मन बड़ा दुखी हुआ जा रहा था, चलती जा रही है, चलती जा रही है, लेकिन पेड़ ही नहीं मिल रहा कहीं। कुछ दूर जाके जंगल आ गया। अब जब जंगल में पहुंची तो वहाँ पर उसने खूब नज़र दौड़ाई, कहीं उसको कोई पेड़ ही नज़र नहीं आ रहा। फिर उसने देखा पत्थर पड़े हुए हैं, उस पत्थर में बिल्कुल एक छोटा सा पौधा छुपा हुआ है, बड़ का पौधा छुपा हुआ है छोटा सा। रानी ने उसी बड़ के पौधे की पूजा करी, उसको सींचा, उसकी तलहटी बना दी, चारों तरफ मेड़ बना देते ना पौधे की, जिससे कि उसमें पानी भर जाए, तलहटी बना दी, उसमें जल सींचा और उसके पत्ते पर चूरमा का लड्डू जो बना के ले गई थी वो रख दिया। इस प्रकार धूप बत्ती दिया करके, बैसाख मास की त्रिवेणी बाती जलाकर वो अपने महल वापस आ गई। एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले, उसके बाद फिर जंगल में चले गए शिकार करने के लिए। शिकार करते करते उस दिन क्या हुआ कि बहुत दूर निकल गए तो रास्ता भटक गए। अब सारे सिपाही परेशान हो गए, राजा परेशान, कि उनको रात हुई जा रही थी और नगर का
जो रास्ता था वो समझ नहीं आ रहा था किस दिशा से मतलब लौट के जाएं। उधर राजा को बहुत प्यास लग रही थी, राजा और सारे सिपाही भूख प्यास के मारे परेशान हो जा रहे थे। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, जरा देखो कहीं पानी हो तो पता करो। अब सिपाही चारों तरफ नजर दौड़ा रहे हैं, कुछ पेड़ आसपास लगे हुए थे उन पर चढ़ चढ़ कर देख रहे हैं कि कहीं कहीं पानी मिल जाए। तो देखा दूर कहीं पर कुछ पक्षी मड़मड़ा रहे हैं, उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। राजा से उन लोगों ने कहा, महाराज कुछ दूरी पर पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ने का मतलब है जरूर आसपास पानी है। राजा ने कहा, तुरंत चलो बहुत जोर की प्यास लगी हुई है। राजा अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पहुंचे तो देखा एक बहुत बड़ा सरोवर है, जहां पर रानी ने उस बड़ के पेड़ को जो पौधे को छोटे से को तलहटी बनाकर पानी दिया था वो आज एक बहुत बड़े सरोवर के रूप में बदल गया। तो बहुत बड़े सरोवर दिखा तो राजा ने और सिपाहियों ने सबसे पहले तो अपनी प्यास बुझाई, फिर देखा कि बड़ का पौधा है ना जो उसके पास चूरमा के लड्डू रखे हुए हैं। ये देखकर आप सबको भूख लग रही थी, कोई का मन माना ही नहीं, जल्दी से उठा के एक लड्डू उठाया। जैसे ही एक लड्डू उठाते तो दूसरा लड्डू प्रकट होने लगता। अब सबने बड़ी खुशी खुशी सारी जो सेना थी सबने लड्डू खाए, राजा साहब को भी दिए, लेकिन वो लड्डू खत्म नहीं हो रहे थे। वो लड्डू जैसे ही एक हटता था दूसरा प्रकट होने लगता था। राजा तो देखकर अचंभित हो गए कि ये तो यहाँ चमत्कार ही है, कुछ तो चमत्कार है। राजा अपने महल लौट कर आ गए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने भूख लिया जल पिया उनकी बुद्धि भी सही से काम करने लगी, उनको महल का रास्ता भी दिखाई देने लगा। अब लौट कर जब महल आ गए, महल आते ही उन्होंने रानियों से पूछा, ये बताओ पहले किसने बड़ के पेड़ की पूजा करी थी। राजा को तो सच्चाई जाननी थी। छोटी रानी बोली, नहीं नहीं महाराज हम नहीं करते ऐसे काम। बहन बोली, ना हम भी नहीं करते। बड़ी रानी बोली, मैं करके आई थी महाराज, जंगल में कोई पेड़ नगर में नहीं मिला तो मैं जंगल गई थी और वहाँ मैं पूजा कर कर आई थी, बड़ के पेड़ की जल चढ़ा कर आई, चूरमा का लड्डू चढ़ा कर आई। राजा तुरंत समझ गए। राजा बोले, रानी आज तुम्हारी उस पूजा की वजह से मेरे और सैनिकों के प्राण बच सके। हम लोगों को भूख प्यास के मारे जान जा रही थी, रास्ता भूल गए थे, तुम्हारे उस जल के जो सींचा तुमने पेड़ को उसकी वजह से उस सरोवर बन गया और उससे हमने अपनी प्यास बुझाई और तुम्हारा एक चूरमा का लड्डू चमत्कार से भरपूर हो गया, इतना कि सबने भरपेट भोजन किया। तो जब एक जन की पूजा करने से इतना चमत्कार हो सकता है तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग बैसाख मास के इतवार को रविवार को इस व्रत को रखेंगे और आक बड़ और पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे, इनको सींचेंगे, इनकी रक्षा करेंगे। तभी अपने हिंदू धर्म में आक का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल के पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है। और बैसाख मास में तो खास तौर पर त्रिवेणी बाती जलाइए आप इन तीनों पेड़ों के नाम की, भगवान विष्णु के नाम सामने जलाइए त्रिवेणी बाती, और तीनों वृक्षों के आगे भी आप ये त्रिवेणी बाती जलाकर जब पूजा करेंगे तो त्रिदेव की कृपा प्राप्त होगी और आपकी मन वांछित इच्छा पूरी होगी, जैसे कि उस रानी की हुई, राजा की हुई। ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं नित्य जो वीडियो डालती हूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। राधे राधे।